कम बजट अफराद के लिए ये तीन मरले का डबल स्टोरी बहुत ही खूबसूरत घर लेके आया हूँ, जो कि इस वक्त लोकेटेड है सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम के बिल्कुल साथ अल हरम गार्डन में ये मौजूद है। इसका मुकम्मल टूर करते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदर से डिज़ाइन किया गया है, और जल्दी से इस घर का टूर करते हैं। इसकी प्राइस मैं इसी वीडियो के दरमियान आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम बात करें फ्रंट एलिवेशन की, तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया इसके फ्रंट के ऊपर, और जैसे ही हम इसके चलते हैं कार पोर्च के अंदर, तो यहाँ पर हमें एक छोटी गाड़ी खड़ी करने का पोर्च मिल जाता है। नीचे हमें टाइल का इस्तेमाल मिलता है, इसी के साथ यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल किया गया। ऊपर सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेट छोड़ दी जाती है एलडीए रूल्स के मुताबिक। और यहाँ पे इंट्रेस है इसके टीवी लॉन्च से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ सेपरेट दी गई हैं, ताकि आप इजीली रेंट आउट भी फर्स्ट फ्लोर को कर सकें। और इसी के साथ हम टीवी लॉन्च से दाखिल होते हैं इसके, तो नीचे हमें बहुत ही खूबसूरत 2x2 की टाइल का इस्तेमाल मिल जाता है। वुडन कलर्स की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। मेन दीवार के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फीचर वॉल्स हमें मिल जाती हैं। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन देखेंगे तो तीन मरला भी आपको ऐसा सीलिंग डिज़ाइन देखने को अक्सर नहीं मिलता। और फैन आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलते हैं, सामने इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। और इसी के साथ यहाँ पर इसका किचन एक अच्छे साइज़ के अंदर डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर एसेसरीज भी इंस्टॉल होंगी, बर्नर किचन हुड भी इंस्टॉल होगा। और इसी के साथ यहाँ पे ऊपर सीलिंग वर्क, एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेशन रखी गई है घर को वेंटिलेट करने के लिए। और यहाँ पे हमें मास्टर बेडरूम मिल जाता है, जिसमें आपको इसकी बेड वॉल्स के साथ फ्यूचर्स मिल जाती हैं, ऊपर सीलिंग वर्क। और यहाँ पे आपको थ्री डोर सेक्शन के अंदर वार्डरोब्स मिलती है इस रूम की, ये वेंटिलेशन रखी गई है दरमियान के अंदर आपको घर को वेंटिलेट करने के लिए। और ये इसका अटैच बाथ, जहाँ पे वेंटी और इंडियन कमोड की ऑप्शन मिलती है, और यहाँ पे टच मिरर इंस्टॉल किया गया है वेंटिलेशन के लिए विंडो, और साथ में ऊपर सीलिंग वर्क। और यहाँ से हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको दो बेडरूम की अकोमोडेशन मिल जाती है, यहाँ पर सेपरेट किया गया है फर्स्ट फ्लोर को, और साथ में आपको जो सीढ़ियाँ उसके ऊपर मार्बल का इस्तेमाल मिल जाता है। ऊपर आते हैं तो हमें सबसे पहले वेंटिलेशन मिल जाती है, ये स्पेस छोड़ी गई है फर्स्ट और सेकंड को सेपरेट किया गया है। यहाँ से इंट्रेस है इसके, ताकि आप जो है नीचे वाला भी ऊपर जो छत यूज़ करना चाहें तो इजीली यूज़ कर सकें। ऊपर आ चुके हैं, ऊपर आते ही हमें सबसे पहले इसका किचन मिल जाता है ओपन, ऊपर सीलिंग वर्क देख सकते हैं, और यहाँ पर दो बेडरूम मिल जाते हैं, और इसी के साथ इसका दरमियान के अंदर एक वॉशरूम अच्छे साइज़ में डिज़ाइन किया गया है, वेंटी मिलती है, और साथ में शावर से तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे इंस्टॉल मिलती हैं। और ये आप देख सकते हैं वेंटिलेशन अच्छी खासी यहाँ पे रखी गई है। और ये इसका फ्रंट का बेडरूम है, नीचे सेम वुडन कलर्स की टाइल्स, और इसी के साथ यहाँ पर इसकी फीचर वॉल्स, ऊपर सीलिंग वर्क देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको थ्री डोर सेक्शन के अंदर वार्डरोब्स मिलती हैं। हर रूम के अंदर आपको थ्री डोर सेक्शन में वार्डरोब्स दी गई हैं, अक्सर तीन मरला में इतनी ज़्यादा कबर्ड्स नहीं दी जाती। ये इसका सेकंड बेडरूम है, नीचे टाइल्स, फीचर वॉल्स, ऊपर सीलिंग वर्क, और यहाँ पे इसका अटैच बाथ, ऊपर सीलिंग, शावर, इंडियन कमोड यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, वेंटी हमें मिल जाती है, अगेन हमें इसका मिरर मिल जाता है। यहाँ पर इसकी वेंटिलेशन, ऊपर चलते हैं तो यहाँ से अगर डिमांड की बात करें तो 75 लाख रुपये इस घर की डिमांड है, जिसमें नेगोशिएट है, फ्लेक्सिबल ये प्राइसेस है। आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको ये घर रीजनेबल प्राइस में लेके देंगे। ऊपर आ चुके हैं, ये ममटी एरिया इसका डिज़ाइन किया गया, ममटी के ऊपर भी सीलिंग वर्क रखा गया है। और ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल करीब यहाँ पर बच्चों की एक पार्क मिल जाती है। घर से चंद ही कदम की दूरी पर हमें यह पार्क मिलती है, बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर ये घर लोकेटेड है। जी हमें वेंटिलेशन मिलती है, जहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर घर बने हुए हैं, मुकम्मल तौर पर आबाद आपको ये सोसाइटी मिलती है। बिल्कुल करीब एक और पार्क हमें मिल जाती है, ये इसकी वेंटिलेशन है। इस घर को विज़िट करने के लिए आप हमसे राबता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।